हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल पर वेलकम है। इसमें हम देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। बेसिकली हमारे जो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, क्या उनके दिल में अभी भी आपके लिए केयर है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, पैशन है। तो इसमें हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस वक्त आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन जगल कर रहे हैं। देखें, ये बात तो यहाँ पे तय है कि आपके पर्सन किसी दो सिचुएशन में है। इस इंसान ने जगल करते करते अपने आप को जोकर बना लिया है। ना ये इंसान आपको छोड़ पा रहा है, ना रख पा रहा है, और ना आपको जाने देना चाह रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। ये इंसान चला तो जाता है आपके पास, लेकिन घूम फिर के आपके पास वापस चला आता है। इसको वहाँ भी सुकून नहीं मिलता, और आपके बगैर भी सुकून नहीं मिलता, और आपके साथ भी सुकून नहीं मिलता। मतलब हर तरह से ये इंसान डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। हो सकता है इस इंसान का सारा फोकस इसके कैरियर पे रहा हो। किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी जो है इनका कैरियर भी हो सकता है, या इनकी फैमिली भी हो सकती है। ये दोनों को जगल कर रहे हैं, दोनों को ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे ये देख रही हूँ कि ये इंसान एक जोकर बन चुका है। ये इंसान देखें, यहाँ पर आप खुद नज़र आओगे, ये इंसान एक माँ पे खड़ा होकर दो चीज़ों को जगल कर रहा है, और जो कि इससे हो नहीं पा रहा। पीछे समंदर है इसके दिल में। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन ये इंसान आपको बता नहीं पा रहा है कि ये क्या फील कर रहा है आप पे, और ये चीज़ आप जानना चाहते हैं। ये इंसान आप पे गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है गाइस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको पे गिव अप कर दिया है, आपको छोड़ के आगे चले गए हैं, या ये आपके बगैर खुश हैं, तो गाइस ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई बीमार भी हो, या इनकी अपनी भी कुछ सिचुएशन मुझे ठीक नज़र नहीं आ रही है। ये इंसान रात रात भर जाग रहा है। ये इंसान चाहता है कि आपकी तरफ से पहल हो जाए, इसको कुछ करना ना पड़े, आप इसको इशारा दें, आप इसके पास जाएं। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। मैं कहूँगी इसको ना दिन को सुकून है, ना रात को सुकून है। 24 घंटे आपके बारे में सोच रहा है, 24 घंटे आपको सोचता रहता है, आपके बारे में जानने की कोशिश करता है, नज़र रखता है आपके ऊपर। लेकिन ये इंसान अपने दिल की फीलिंग्स आपको नहीं बता पा रहा है कि ये, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आप पे गिव अप कर दिया, गाइस बिल्कुल भी नहीं है। नाइट ऑफ कप का कार्ड निकल के आया। ये इंसान चाहता है कि आपको एक ऑफ़र दे, लव ऑफ़र दे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, नाइट जितनी जल्दी आते हैं, कोई शुगर कोटेड ट्रेडिंग नहीं करूंगी, उतने जल्दी चले भी जाते हैं, ठीक है। अगर ये इंसान आपके पास आता है, तो मेक श्योर कि ये इंसान आपके साथ सीरियस हो, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करे, या जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको वापस दे। तभी इस इंसान की बातों पर आपने भरोसा करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये इंसान आना चाहता है आपके पास, और ये आ रहा है। यानी कि ये क्विकली, मुझे किसी किसी के लिए लग रहा है कि एक दो दिन के अंदर ही इसका आपको मैसेज आ जाएगा, या अगर इसने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो ये आपको अनब्लॉक कर देगा। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे फेड अप नज़र आ रहे हैं। इस इंसान से बिल्कुल भी नाखुश हैं आप, खुश नज़र नहीं आ रहे इन्होंने जो आपके साथ किया। आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और यही सिचुएशन इस इंसान की है कि ये इंसान रात रात भर जाग रहा है, सोच रहा है आपके बारे में, हर वो इमोशंस, हर वो दुख याद कर रहा है जो इसने आपको दिया था। अब उस जगह पे ये खुद खड़ा हुआ है, और अपने आप को वही सिचुएशन इसके साथ गुजर रही है। या आपको इसके बीच में टेम्परेरी ब्रेकअप हो गया था, अभी गाइज ये इंसान बहुत जल्द आपके पास वापस आने वाला है, ये यहाँ से हील हो रहा है। आपकी सिचुएशन ये है कि आपका दिल कहता है, दिमाग कहता है कि छोड़ दो इसको, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन आपका दिल उस पर मरहम लगा देता है, और आप इसका वेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आपने मूव ऑन करने की काफ़ी दफ़ा कोशिश की, लेकिन आप मूव ऑन हो नहीं पाए। देखिए गाइस, जैसे मैंने कहा था, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये उसको भी नहीं छोड़ पाएगा, और ये आपको भी रखेगा, ठीक है। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये इंसान आपके साथ सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहता है, यानी कि इकट्ठे वर्क करना चाहता है आपको और थर्ड पार्टी को लेकर। अगर ये आपसे आके ये कहता है कि मैंने उसको छोड़ दिया है और फलाना है, और कुछ इस तरह की बातें करता है, तो मैं आपको पहले बता रही हूँ, ये इंसान झूठ बोलेगा आपको आके। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि ये इंसान, अगर आप चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ रहना, तो बिल्कुल आप रह सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये इंसान पूरी तरह से उसको छोड़ के नहीं आ रहा। लेकिन ये इंसान आपके पास वापस तो आना चाह रहा है, लेकिन पूरी तरह से उस चीज़ को छोड़ के नहीं आ रहा है। हाँ, ये आपके साथ सॉलिड फाउंडेशन करना चाहता है। हो सकता है आप इनके साथ इकट्ठे आपने काम किया हो, आपने इकट्ठे इनके साथ जो है जॉब की हो, या आप लोग साथ में रहे हो, पढ़ा हो, आपने स्टडी साथ की हो। लेकिन ये इंसान जो है, मैं देख रही हूँ कि उसको भी नहीं छोड़ पा रहा है, और ना आपको छोड़ पा रहा है। ये दोनों को साथ रखना चाहता है। देखें गाइस,
सेलिब्रेशन चाहता है, खुशियाँ चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है आपके साथ भी और थर्ड पार्टी के साथ भी। अब ये कैसे मुमकिन है गाइज, देखें जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं वो मैसेज मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। देखें ये वहाँ तो खुश नहीं है लेकिन ये आपको भी नहीं छोड़ पा रहे और ना थर्ड पार्टी को छोड़ पा रहे, लेकिन इसको जजमेंट मिलेगी, इसको वेकअप कॉल दी जाएगी, इसे एक चांस दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि जो सही है वो सही करो, जो गलत है वो गलत करो। इस ये इंसान वापस आएगा, आपका रिलेशनशिप दोबारा से डेवलप होगा। अगर ये इंसान आपके पास आ रहा है तो कुछ पल इसको साथ रहने दीजिए अपने, फिर जो बाद में होगा आहिस्ता आहिस्ता गो विद फ्लो लेके चलिए। लेकिन आपका और इनका रिश्ता यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड है, आप लोगों का ये रिश्ता जो है एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इन्हें एक जजमेंट कॉल मिलेगी। ये इंसान और आपके बीच में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। फिर आप दोनों का कुछ अरसे बाद जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो या जो आप सोचते थे इस इंसान के बारे में, वो ये सब इंसान देगा आपको। इससे आपकी वैल्यू और वर्थ का पता चल चुका है, मैं कहूँगी कि इससे आपकी वैल्यू और वर्थ का पता लग चुका है। अब ये इंसान सोच समझ के फैसला लेगा। अभी ये इंसान आ रहा है सिर्फ बात करने आ रहा है, हालचाल पूछने आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो है वो डे बाई डे डेवलप होती भी हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आप लोगों की सिचुएशन में काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, देखें इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या जो ये थर्ड पार्टी है वो इस इंसान को जो है आपके पास आने से बहुत ज़्यादा रोक रही है। और यहाँ पे मुझे कॉम्पिटिशन भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान शायद आपको थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर भी करता है और यही चीज़ इनके दिल में आपके लिए लव जो है ओवरफ्लोइंग कर रहा है कि आप जैसा इंसान इनकी ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं आ सकता। एक कार्ड और लूँगी मैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा गाइज, आपको जस्टिस मिलेगा। अगर ये थर्ड पार्टी से मैरिड है ठीक है, तो ये वहाँ पे रिश्ता ख़त्म कर देंगे, लेकिन इतनी जल्दी ये सब नहीं होने वाला, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये इंसान जब आएगा तो सिर्फ गो विद फ्लो आएगा आपके पास, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आप दोनों के बीच में बहुत जल्द ब्रेकअप जो है ख़त्म होने वाले है, आपने जो सीड्स लगाए थे उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, अब मैं ये देखूँगी कि ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। द गोल्डन मिरर, सेल्फ एब्जॉर्ब नार्सिसिस्टिक वन साइडेड रिलेशनशिप लव बम्बिंग। तो ये इंसान आपको देखें पूरी पूरी तरह से कन्वेंस करेगा कि आप इसकी बातों में आ जाएं, लेकिन आपने अपनी अकल इस्तेमाल करनी है और ये इंसान वो दिखाना चाहेगा जो कि रियल लाइफ में है ही नहीं। आपने अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। ये इंसान बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, इसको लगता है ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, बस यही है जो इस रिलेशनशिप में जो है इन्वेस्ट कर रहा है आपकी तरफ से, पूरी तरह से जो है ख़त्म हो चुका है। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, सेट, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस, ग्रीविंग, मॉर्निंग। ये तो मैंने जैसे ये बता दिया कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा 24 घंटे आपके बारे में सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है सोच सोच के कि इसने आपके साथ अच्छा नहीं, कैसे लगता है कि इसने पूरी तरह से आपको खो दिया है। असेंडिंग, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेस, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आपके पास इस इंसान का बहुत जल्द कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आने वाला है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसकी इंसान की बातों पे कितना आपने बिलीव करना है और कितना इस इंसान को किस वे में आपको लेके चलना है। ये इंसान तो आपके साथ असेंडिंग देख रहा है, ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, ये इंसान ऑब्स्टिकल्स ख़त्म करना चाहता है, आपको दोबारा से रीड करना चाहता है, यूनियन के लिए तैयार हो रहा है। द फीनिक्स, न्यू फेस, रिकैंडल, रीयूनियन, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज माइंड। तो अब आपके ऊपर ये देखें, ये इंसान पूरी पूरी कोशिश करेगा आपके साथ गैम्बलिंग करने की, किसी भी तरह से आप इस इंसान को चाहिए हो। तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता है रीडिंग में, बाय।